गुड मॉर्निंग यू गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि एक नया ब्लॉग बनाते हैं, शूट करते हैं, देखते हैं पूरा दिन कैसे बीतता है। तो अभी गुड मॉर्निंग मेरी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी मॉर्निंग बहुत ही जल्दी हो जाती है और मेरा आधा काम भी ख़त्म हो चुका है हमेशा की तरह। तो अभी नाश्ते बनाने का टाइम है और मैं जा रही हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने। बेटे को पढ़ा भी रही थी मैं अभी, तो वो फिर अभी अपने से पढ़ाई कर रहा है और मैं जा रही हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट बनाने। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। कैसे हैं आप सब गाइस? मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता करने, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। ये पपाया है और आज मैं नाश्ते में इसे ही खाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको कट करते हैं। और आप बताइए, आप गर्मी के दिनों में क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? मुझे तो गर्मी के दिनों में फ्रूट्स ही ज़्यादा पसंद है। वैसे गर्मी के दिनों में क्यों, कभी भी आप फ्रूट्स खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और रही बात फ्रूट्स में, तो एप्पल मेरा फेवरेट है और मैं एप्पल बहुत पसंद से खाती हूँ। बट कभी कभी दूसरे फ्रूट्स भी ट्राई कर लेने चाहिए, है कि नहीं? और फ्रूट्स खाने के बाद मैं अभी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, बट होपफुली कुछ दिनों में मैं फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि शादियों का सीज़न। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कितने बिजी हो जाते हैं इन शादियों के सीज़न में। हम लोगों का आउटडोर इंडोर सब पार्टी बुकिंग स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल में घर घर के बुकिंग है, तो जाना तो पड़ेगा ऑफिस। तो बस कुछ दिन का रेस्ट, उसके बाद फिर शुरू। हमेशा फ्रूट्स को वॉश जरूर कीजिए, उसके बाद ही खाइए। और आप लोगों को बहुत शिकायत होती है कि मैं दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, यूट्यूब मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, बट चाहे मेरे खूब पे फॉलोअर्स हो गए हैं या फिर फेसबुक पे, वो अच्छे खासे हैं। तो जिनके कम होते हैं वो भी एक दूसरे को रोज़ रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, और मुझे तो भर भर के मैसेज आते हैं फेसबुक पे, कू पे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो मैं हर दिन सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, और इसके लिए बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं कि आप जवाब नहीं दे रही हो, सिर्फ बोल रही हो यूट्यूब पे फॉलो करो, मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा। और जो लोग फॉलो करते हैं, अगर कभी कभी मैं उनको भी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो वो भी बोलते हैं कि मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। अरे यार, देखिए मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर आप किसी के फ़ैन हो या फिर किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो आप जेन्युइन होने चाहिए। आप उसे ये धमकी देते हो, कम से कम उसकी भी प्रॉब्लम तो समझिए। कभी भी एक तरफ की बात सोच के, अपने हिस्से की बात सोच के कुछ भी कमेंट्स नहीं करना चाहिए या जज नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप मेरी बातों से रिलेट कर सकते थे कि मैं सच बोल रही हूँ। मुझे बहुत ही मैसेजेस आते हैं, खास करके कू से और फेसबुक से भी बहुत ही ज़्यादा मैसेज आता है मुझे। तो मैं सबको हर दिन रिप्लाई नहीं दे पाती, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि पॉसिबल ही नहीं होता है मेरे लिए देना। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं रिप्लाई करूँ। बट हर रोज़ हर मैसेज का रिप्लाई करना, ये थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। और आप समझ सकते हैं कि हाँ, शायद अगर आपको लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा तो। बट इसके लिए ये धमकी देना कि मैं अनफॉलो कर दूंगा या फिर ये वो, तो अब मैं क्या ही बोलूं। अपनी अपनी खुशी की बात है, अगर आप मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। मैं यहीं पे धीरे धीरे अपने बारे में आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी।
अभी तो मेरा YouTube चैनल एकदम नया है, बिल्कुल ही फ्रेश है, तो एक ही बार में हर चीज़ वीडियो एक ही वीडियो में तो नहीं डाल सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन पे दिन और बेहतर आप लोगों के लिए कुछ लाऊं और आप लोग मुझे पसंद करें, मेरी वीडियो को पसंद करें। तो बस यही कोशिश रहती है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझसे खुश रहें। कोई भी यही चाहेगा कि जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो खुश रहें, कोई भी उन्हें दुखी नहीं करना चाहेगा। बट क्या करूँ, हो जाते हैं कुछ लोग दुखी, अफसोस, गुस्सा, और जाहिर सी बात है वो दिखाते भी हैं। और ये हमारा फ्रूट्स रेडी है कट, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कट कर लिया है इसको, अभी थोड़ा सा काला नमक डालूँगी मैं और मेरा बेटा एकदम मज़े से खाएंगे। और टैंटर हमारा रेडी हो चुका है पपीता, अब हम लोग इसको अच्छे से इंजॉय करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो आप भी अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए। और एक्चुअली आर मूवी के बहुत चर्चे हो रहे हैं, तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट कोशिश है कि मैं देख लूँ, और होपफुली कोशिश कर रही हूँ कि आज ही देख लूँ, क्योंकि फिर तो ऑफिस जाने लगूँगी और बिजी हो जाऊँगी, तो शायद टाइम ना मिल पाए। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो आज जाने का थोड़ा प्लान बना रही हूँ, और फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। तो मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके मम्मा, कैसे हैं आप सब? हाय गाइस, मैं जा रही हूँ मूवी देखने। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोला था कि मैं प्लान बनाऊंगी आज जाने का, तो मेरा प्लान बन गया और देखिए मैं जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने देख ली है तो मुझे बताइए कि कैसी है मूवी, और मुझे कैसी लगी वो तो मैं देखने के बाद ही बताऊँगी। और धूप बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने गॉगल्स भी ले लिए हैं, क्योंकि बिना गॉगल्स के धूप में निकलना नहीं चाहिए, आँखों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए मैंने सनग्लासेस ले लिए हैं। तो फिर चलती हूँ और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बाय। पर उठाओ, मैंने मूवी का टिकट ले लिया है, बट अभी थोड़ा टाइम है, तो बेटे को प्यास लगी थी तो मैंने उसको लाइम जूस दिया है, वो पी रहा है, और थोड़ी देर में यही रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे, अभी 10-15 मिनट का टाइम है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इसको देखिए कितना इंजॉय कर रहा है अकेले अकेले पी के। देख रहे हैं आप लोग, क्या मिलते हैं बाद में। अभी मैंने मूवी देख लिया, और गाइस मूवी इतनी ज़्यादा ऑसम थी, ऑसम मतलब ऑसम मूवी, मतलब 3.5 घंटे की मूवी में एक ऐसा सेकंड नहीं था कि मैं बोर हुई हूँ, मतलब ऑसम मूवी थी, बस यही बोल सकती हूँ। टॉलीवुड वाले अपनी मूवी में हमेशा हमेशा अपनी संस्कृति को बचा के रखते हैं, हमेशा। इतना अच्छा मूवी था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं निकल चुकी हूँ और जाती हूँ शायद पर्दे लेने हैं ऑफिस के लिए, तो वही देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं कटर्स लेने के लिए, शॉप में नहीं मिला हमें, तो हम गोडाउन में आए हैं, और ये देखिए हमें दिखा रहे हैं कटर्स। Thank you.
अभी मैं ऑफिस आ गई हूँ और यहाँ पे बर्थडे पार्टी शायद ऑर्गेनाइज है और आपने देखा गेट लगा हुआ है, पीछे बलून है और ये देखिए कितने सारे हमारे गेस्ट हाउस में पेड़ पौधे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे, बहुत सारा है गेट पे लगा हुआ है और यहाँ पे फोटोग्राफर फोटो भी क्लिक कर रहे हैं। आइए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ भी लगा हुआ है, ये हमारा गेस्ट हाउस है, ये ऑफिस है गेस्ट हाउस का। और अभी मैंने पर्दा फाइनल किया, काफ़ी टाइम हो गया पूरा मेजरमेंट बताते बताते, दो घंटे ऑलमोस्ट दो घंटे लग गए मुझे पर्दा फाइनल करते करते। और अभी मैं आई हुई हूँ और यहाँ पे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज है, तो ऑफिस तो है ही हम लोगों का गांधी मैदान साइड में, तो क्या किया जाए, आना बनता ही है। तो बस छुट्टी के दिन भी ऑफिस आ गए हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज देखते हैं कैसा सब ऑर्गेनाइज है, सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि नहीं रहने पर फिर स्टाफ अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो आ गए हम लोग, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है। अभी मैं हॉल के ऊपर नहीं गई हूँ कि कैसा क्या हुआ है, देखती हूँ मौका मिलता है तो चलूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो फिर बने रहिए मेरे साथ। और इसको देखिए, इसका बदमाशी हर जगह मतलब स्टार्ट रहता है। देखिए 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 क्या कर रहे हो, नहीं दिखाई दे रहे हो, तो इधर आओगे तब दिखाई दोगे ना। ये देखिए हमारी माता रानी, देखिए इसको क्या कर रहे हो। हाँ दिखाइए, हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, ये क्या होता है। ये देखिए बलून, सीढ़ी पे भी शायद लगा हुआ है ऊपर, हाँ ऊपर में भी लगा हुआ है। हाँ चलिए चलते हैं ऊपर हॉल में, शायद हॉल अच्छा से डेकोरेट किया गया है तो देखते हैं क्या डेकोरेशन हुआ है। और शायद लग रहा है गाना भी बज रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आई हूँ अब ऑफिस, तो एक लोग देख लिया जाए कि क्या है, गाना तो बज रहा है, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे गाना बज रहा है, बच्चे का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज है। देखा कि कितना अच्छा से डेकोरेट हुआ है। अगर आप भी पार्टी बुक कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, बहुत ही सुविधा मिलेगा आपको, किफ़ायती अच्छा अच्छा चीज़ खाने को भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग आउटडोर एंड इंडोर पार्टी भी करते हैं। सॉरी मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं भावनाओं में थोड़ी बह गई हूँ। और ये हमारा किचन एरिया है, आज अभी इधर बंद है क्योंकि खाना ऊपर चल रहा है, क्योंकि अब ऑब्वियसली पार्टी का खाना बन रहा है, हम तो किचन में तो नहीं बन रहा है, ऊपर छत पे डेकोरेट किया गया है, खाना पीना सब ऊपर ही बन रहा है। तो चलिए ये देखिए बच्चे सभी जा रहे हैं अभी बच्चे का तो इन्जॉयमेंट अलग लेवल पे ही होता है बर्थडे पार्टी में। और यू को देखिए, ये छोटे साहबजादे को, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं नीचे, ऑफिस में कुछ काम कहीं निकला है, थोड़ी देर अब आई हूँ तो बैठती हूँ देखती हूँ। जैसे कि यहाँ पे खाने का व्यवस्था हुआ है, यहाँ पे खाने का सब लगा हुआ है, बुफे वगैरह। और नीचे हॉल में पार्टी डेकोरेट किया गया है, थक गई हूँ थर्ड फ्लोर चढ़ते चढ़ते। चलिए चलते हैं नीचे, पसीना हो गया है मुझे। मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत देर पहले ही मैं घर आ चुकी थी, मैंने आके डिनर बनाया और उसके बाद अभी नहा हुआ के अभी फ्रेश होकर बैठूँ जा रही हूँ मैं डिनर करने।
और ये मेरा डिनर आलू परवल का भुजिया बनिया है। और अभी मैं इसे खाऊंगी और मैं बहुत थक चुकी हूँ, अभी 11 बजने वाले हैं तो मैं खा के और डायरेक्ट बेड पे जाऊंगी सोने के लिए, बहुत थक चुकी हूँ। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, मैंने भी फिल्म देखी इसके बारे में, क्योंकि फिल्म तो बहुत अच्छी थी, इससे भी बड़ी खास बात ये थी इस फिल्म में कि अपनी सनातन संस्कृति को हमेशा टॉलीवुड वाले दिखाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप लोग RRR अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट पर देखिए, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, पूरा दिन बन जाएगा। रामचरण ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब बहुत ही अच्छा। एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो गई हूँ, 3.5 घंटे की मूवी थी और ऐसा लगा क्यों ख़त्म हो गया, और होना चाहिए था, मतलब इतनी अच्छी मूवी थी। तो अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। गुड नाइट, अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, सेफ्टी से रहिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।